एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में शरीर में होने वाले छोटे छोटे बदलाव हमें बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस की तरफ शुरुआत से ही इशारा कर देते हैं, और अगर हम उनको समझ लें तो हम उन प्रॉब्लम्स को समय रहते बिल्कुल सरलता से खत्म कर सकते हैं। ऐसा ही एक लक्षण है सांस से जुड़ा हुआ। सांस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करती हैं। आइए हम उन लक्षणों को समझेंगे, उन कारणों को समझेंगे, उन समस्याओं को, और उनको कैसे हल करना है ये भी समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और बेवजह बिना चढ़े उतरे या बहुत ज़्यादा चले हुए ही अगर आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, आपको कभी कभी सफोकेटेड एकदम घुटन जैसा महसूस होता है, कई बार आपको हेडेक होता है, बार बार आपको हेडेक हो रहा है, जल्दी जल्दी सर में दर्द होने लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको धुंधला दिखाई देने लग रहा, ब्लर्ड विजन की प्रॉब्लम हो रही है, आपके नाभि के ऊपर के हिस्से में राइट साइड में अक्सर पेन रह रहा है, तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपके साथ है जिसको कि आपको डील करना है, और उन चीजों को आप खुद से ठीक कर सकती हैं। तो आइए समझते हैं कि वो प्रॉब्लम कौन कौन सी है और उनका सोल्यूशन क्या है। फ्रेंड्स, डायबिटिक प्रॉब्लम यानी शुगर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, या फिर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम होना, ये सारी चीज़ें इन लक्षणों से जुड़ी हुई हैं। और इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो किडनी की हो, चाहे वो बीपी की हो, आपकी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है, डिलीवरी को कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, बच्चे के ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो इनके लिए आप करेंगी क्या, घर में किए जाने वाले सरल और आसान उपायों को मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आप लाइफस्टाइल और खानपान में गलतियां कर रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान इतना मूड खराब रहता है, मन बिल्कुल खराब रहता है, बिल्कुल भूख नहीं लगती, कि हम ठीक से डाइट नहीं लेते, और डेफिशिएंसी की वजह से हमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, खून की कमी होती है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप आयरन के लिए टैबलेट्स अपने डॉक्टर से सलाह लेके ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सी टैबलेट अच्छी रहेगी। आप आयरन रिच फूड सिंपली अनार, एप्पल, टोमेटो, पालक, चुकंदर, इनको अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। एक ग्लास मौसमी का जूस भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चाहे आप नींबू पानी लीजिए, वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, अगर शुगर की प्रॉब्लम आपके साथ है, आपको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि मीठा, जो चीज़ें मीठी होती हैं जैसे मिठाइयाँ, शक्कर और गुड़ से बनी हुई चीज़ें, इनसे बचना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को फॉलो करना है, गेहूं की बजाय ग्लूटेन फ्री चीज़ों को, मिलेट्स को यूज करना है, थोड़ा पैदल चलना है, अपने वजन पे कंट्रोल रखना, प्रोटीन सही मात्रा में लेना है, अपने शरीर के वजन के मुताबिक हर किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, प्रेगनेंसी में हल्का सा ऊपर की तरफ होता है ब्लड प्रेशर, लेकिन वो कहीं ज्यादा अगर ऊपर है तो आपको बार बार हेडेक होगा, आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलेगी, आपको पसीना आएगा, आप बहुत जल्दी जल्दी थक जाएंगे, घबराहट होगी। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो हाई सोडियम फूड यानी कि खाने में नमक का इस्तेमाल कम कीजिए, थोड़ी सी रेड चिली कम करके आप ब्लैक पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बीपी को कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आप बनाना पालक का इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको डेली वॉक करनी है, पानी 6 से 8 ग्लास जरूर पीना है, आप ऑरेंज ले सकती हैं। इसके अलावा एक स्पेशल चीज है जिसको हम कह सकते हैं फूड सोकिंग, यानी कि पैरों को पानी में रखना। आप एक टब लें जिसमें टखने तक, एंकल तक पानी भरा हो, आप उसमें एप्सम सॉल्ट डाल सकती हैं। एप्सम सॉल्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी होगी, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो 1 मुट्ठी नमक उस पानी में डालें और 10 मिनट के लिए अपने पैरों को उसमें सोक करके रखें। उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। पानी में पैर डाल के थोड़ी देर तक आप इंस्ट्रूमेंटल या कोई सूथिंग म्यूजिक लगा के मेडिटेट करें, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी की कंडीशन जो भी है वो हील हो, आप पीसफुल हो और सही निर्णय अपने शरीर और स्वास्थ्य को लेते हुए ले सके, आपका स्ट्रेस भी दूर हो और आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी हो। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम रोज मिल सके। टेक केयर।